हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2021 की टैरो लव रीडिंग। टैरो कार्ड हमें बताएंगे कि आपकी लव लाइफ दिसंबर के महीने में कैसे रहने वाली है, कितना आपका रिश्ता मजबूत है, आप मन से प्यार करते हैं, दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर क्या। बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और एंजल्स के आपको मैसेजेस भी मिलेंगे। आप कैसे देख सकते हैं अपना ये राशिफल, ये आप राशिफल आप अपने लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, नाम राशि या फिर सन साइंस, वेस्टर्न ज़ोडियक साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जिस भी राशि से आप हमेशा देखते हैं अपना राशिफल, उसी से देख सकते हैं जिससे भी आपको लगता है कि आप कंपैटिबल हैं। बाय चांस अगर आपका राशिफल आपसे मैच ना करे तो समझ लीजिए कि एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग बहुत से लोगों को एक साथ लेके चलती है। अगर आपको कस्टमाइज चाहिए तब आप मेरे से अलग से पर्सनल विंडो पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग भी बहुत से लोगों को सही चलती है, सही सूट करती है। कई बार 50%, कई बार 70%, कई बार 100% भी रेजोनेट करती है। तो अब ये आपकी चॉइस है, इसको आप एक जनरल गाइडेंस मानिएगा और इसको फॉलो करिएगा। जो भी आपको बताया जाए वो आपके मार्गदर्शन के लिए होगा। टैरो कार्ड्स हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे आगे का रास्ता खोलते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं, क्योंकि ये डिवाइन से अलाइंट होते हैं। और जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो केवल एक मीडियम होता है उसकी बात आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लव रीडिंग दिसंबर 2021। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं दिसंबर 2021 लव रीडिंग यानी कि लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है दिसंबर के मंथ में। तो देखते हैं सबसे पहला कार्ड स्कॉर्पियोज के लिए। पहला कार्ड उनके लिए आया है सेवन ऑफ वैंड्स आया है। सेकंड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। एंड देन चौथा आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो चारों कार्ड कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप लोग इस महीने अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने में, उसमें मधुरता लाने की बहुत कोशिश करते रहेंगे। देखिए जो लोग अनमैरिड हैं, जिनके अभी शादी नहीं हुई है, तो उनकी शादी की बात बहुत तेज हो जाएगी और शादी फिक्स होने के लिए फैमिली जो है काफी जद्दोजहद करेगी। तो मुझे रोमांस नजर नहीं आ रहा, अभी भी मुझे शादी फिक्स होती नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके लिए मेहनत होती मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो आप का लव रिलेशन के बारे में आपकी फैमिली में पता चल चुका है और वहां पे आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए। तो जो हमारे स्कॉर्पियो राशि वाले हैं वो काफ़ी मेहनत करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स को मनाने में, उनको समझाने में और उनको इस चीज़ के लिए राजी कर लेने के लिए कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का जो है प्यार है उसको आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप काफ़ी कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज के लिए कि प्यार के नाम पर फैमिली में बहुत चीज़ों की जो है डिस्कशन होती रहेगी। आप बहुत कोशिश करते रहेंगे और काफ़ी दिमाग चलाते रहेंगे, प्लान्स बनाते रहेंगे कि किस तरह से जो फैमिली है वो राजी खुशी आपकी जो है आपके पर्सन से आपकी शादी कर दे। और वो होता नज़र भी आ रहा है, डिलेज हैं बट बाय द एंड ऑफ मंथ कुछ ना कुछ आपकी बात पक्की होती नजर आ रही है। तो इस बीच में, इस खींचातानी में स्कॉर्पियोज ये नहीं दिख रहा कि आप कुछ सुख वाले पल्ले जो है आप बिता पाएंगे, यानी आप अपने पार्टनर को मिलेंगे तो भी एक खींचातानी वाली बात होगी, आर्ग्यूमेंट्स वाली बात होगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर के साथ आप हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ अनबन चलती रहेगी जिससे कि आपका
जो ये इतना खूबसूरत गुलाबी सी सर्दियों वाला जो वक्त है ये बर्बाद हो जाएगा। तो आपको यही सलाह है स्कॉर्पियोज कि अपने इस टाइम को बर्बाद ना करें, खींचातानी मत करें, ब्लेम गेम ना करें, हेड स्ट्रॉन्ग मत रहें, ज्यादा दिमाग ना चलाएं, जिद ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिद से, अपने अड़ियलपन से, अड़ियलपन कई बार हो जाता है, हर किसी को हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि स्कॉर्पियस को अड़ियलपन होगा, वो कोई भी राशि वाला है, कोई भी कॉमन पर्सन है, वो अड़ जाता है किसी बात पे, तो यहाँ पे वो अड़ते हुए नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियोस। तो आपको काफी स्मूथली इन चीजों को निकालना है और अपने रिलेशनशिप को जो है मधुर बनाना है। तो अब हम देखते हैं मूनोलॉजी के लिए आपका क्या कार्ड आया है। तो कार्ड कहता है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जिस चीज की आप खोज कर रहे थे, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। बाय द एंड ऑफ, मैंने कहा था ना, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको आंसर्स मिल जाएंगे अपने कि भाई आपकी उनसे शादी हो रही है, आपके फैमिली राजी हो गई, आपके पार्टनर राजी हो गए, और आपने जो भी आप क्वेश्चंस की आप ढूंढ रहे हैं कि सवालों के जवाब चाह रहे हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएंगे। फिर लास्ट वाला कार्ड आपका जो एंजल्स गाइडेंस है वो बहुत ही सुंदर आया है, वो आया है द स्टार का कार्ड आया है, हैव फेथ द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, वाओ, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो थोड़ी सी मेहनत लग रही है बट बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए, इसी खुशी में मुंह मीठा किया जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, और बस वेट करिएगा बहुत से वीडियोस आपके पास अगले साल के लिए आने वाले हैं, बहुत सी प्रिडिक्शंस आने वाली हैं, स्विच वर्ड्स, स्पेल्स, क्रिस्टल्स, सिजिल्स, बहुत कुछ आने वाला है। बस आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए और काम करने का मन करता है। अभी के लिए आगे दीजिए, थैंक यू सो मच।